हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया हैं और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन एग्जामिनेशंस के लिए चल रही होगी, बिकॉज एग्जामिनेशंस को 20 दिन रह गए हैं। ठीक है, सो आज सब्सक्रिप्शन का पार्ट जो है मैं पूरा कवर करवाऊंगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन क्या है, इसको कैसे डील करना है, बच्चों को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब के बाद मतलब आज के बाद इसमें कोई दिक्कत जो है आपको नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन का क्या ट्रीटमेंट होता है। सब्सक्रिप्शन मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है एक मेंबरशिप फी, जो कि जो ट्रस्ट होते हैं हमारे, जो क्लब्स हैं, या जैसे कि जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको जो है वो पे करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप फीस। और टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। जैसे आप लोग जो हैं केबल लगवाते हैं घर में, डिश टीवी लगा होगा, उसकी भी पेमेंट करते हैं ना, तो वो भी सिंपल सब्सक्रिप्शन है। क्यों? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। ऐसे ही जो ट्रस्ट होते हैं या जो क्लब होते हैं, हम उनके मेंबर्स बन जाते हैं जब, तो उनको एक कंपल्सरी पेमेंट जो है वो करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। जितने भी एनजीओज हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके लिए सब्सक्रिप्शन जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट टूल है कमाई का। ठीक है, मतलब इनकम का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो जरिया है सब्सक्रिप्शन। किन के लिए? जो एनपीओज हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो हम पे करते हैं, हम मतलब जो मेंबर्स पे करते हैं, अपियर एज रिसीट इन द बैलेंस शीट, सॉरी इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज शोन एज इनकम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखाया जाता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये सिंपल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है उसमें हम सब्सक्रिप्शन किसी भी साल की रिसीव कर लेते हैं। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो सिर्फ कैश बेसिस पे काम करता है, एक्रुअल बेसिस पे काम नहीं करता है। मतलब प्योरली जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको कोई मैटर नहीं करता कि रिसीट कैपिटल नेचर की है या रिसीट रेवेन्यू नेचर की है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ने सिर्फ पैसा रिसीव करना है और पैसा पे करना है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन चाहे किसी भी साल की हो, पिछले साल की हो, करंट ईयर की हो, या सक्सीडिंग ईयर की हो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम हर तरह की सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस बेसिस पे काम करता है? एक्रूअल। तो एक्रूअल बेसिस पे काम करने का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ करंट ईयर की ही सब्सक्रिप्शन को डील किया जाएगा, अगली पिछली सब्सक्रिप्शन जो होगी उसको हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं थ्रू कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। ध्यान से समझना क्या है, जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की है, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर, जो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो हमने लिखनी है सबसे ऊपर। अब इसमें ऐड क्या करना है हमने, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों? अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो सब्सक्रिप्शन साल के एंड तक हमने रिसीव नहीं की, ये जो सब्सक्रिप्शन हम रिसीव करते हैं ना, ये टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं होती, इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है। ठीक है, तो क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन जो साल के एंड तक नहीं रिसीव की है, तो इसी साल की लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो वो हम क्या कर देते हैं, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड करने का मतलब क्या है, देखो मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब 2019-20 हमारा करंट ईयर है, और ये जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग, ये 31-3-2020 की होगी, क्योंकि क्लोजिंग है तो 31-3-2020 की होगी ऑब्वियसली। अब ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव कर ली थी लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था, वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो लास्ट ईयर जो हमने रिसीव की होगी तो वो कौन सा ईयर होगा, 2018-19। मतलब 2018-19 में हमने 19-20 की कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली होगी, है ना, तो उस साल हम क्या कर हमने क्या किया होगा, 18-19 में इसको माइनस किया होगा, लेकिन जब 19-20 आया हमने इसको क्या कर दिया, प्लस, एड बैक कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। अब माइनस क्या करना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड क्यों करते हैं, सॉरी लेस क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग होती है करंट ईयर की क्या बन जाती है, हमारी ओपनिंग। तो ओपनिंग
जो है माइनस होगी, क्यों? क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे इसको प्लस किया था, वही क्लोजिंग इस साल क्या बन गई, ओपनिंग। तो दो दो बार इसको प्लस नहीं ना कर सकते कि ओपनिंग को भी प्लस कर दो और क्लोजिंग को भी। तो हमने जो क्लोजिंग को ऐड किया था पिछले साल 18-19 में, वही 19-20 में क्या बन गई, ओपनिंग। तो ओपनिंग में इसको क्या कर देंगे, माइनस। और सब्सक्रिप्शन जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग मतलब कौन से साल में हमने ये सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, 2019-20 में ये रिसीव की है, कौन से ईयर की, 2021 की, है ना। तो 2021 की तो हम सब्सक्रिप्शन जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया करंट ईयर के बेसिस पे काम करता है। तो करंट ईयर का बेस क्या होता है कि हमने सिर्फ करंट ईयर की ही जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव करनी है। तो जो अगले साल की हमने इस साल रिसीव कर ली उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, तो आप इसका अकाउंट भी बना सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाएंगे, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है ये हमारी क्या होती है, एसेट, ठीक है, और जो ओपनिंग ये भी एसेट होती है, और जो एडवांस में रिसीव कर ली वो हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, एडवांस में रिसीव कर ली वो क्या होती है, लायबिलिटी। तो सिंपल सी चीज, जब आप अकाउंट बनाओगे तो जो एसेट अकाउंट जब बनता है, मतलब ये एसेट का बैलेंस ओपनिंग हम रिकॉर्ड करते हैं, वो होता है डेबिट, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। उल्टा हो जाएगा इनका क्लोजिंग बैलेंस, अगर एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अगर लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो डेबिट बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, ओ सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये अकाउंट समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग वो डेबिट, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट या आउटस्टैंडिंग एट द एंड। और जो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है लाइबिलिटी है बाई साइड पे, और जो क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस सब्सक्रिप्शन का वो हो जाएगा डेबिट। और जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर ली उसकी जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही एंट्री आएगी, है ना। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बाय कैश बैंक टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव जो आपने साल के बीच में रिसीव की, जैसे कि हमारा 2019 और 20, तो टू साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट सॉरी क्रेडिट कर देनी है, राइट। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बच्चों को बहुत डर लगता है इस सब्सक्रिप्शन से, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी। ठीक है, सो आई होप आपको ये अकाउंट समझ में आ गया होगा। देखो अकाउंट से समझना इसको ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, बच्चों को कम समझ में आता है, लेकिन अकाउंट से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ दोनों तरीकों से। ठीक है, पहले हम करेंगे जो हमने सिंपल मेथड किया बिना अकाउंट का, और उसके बाद अकाउंट से करेंगे। अब एक क्लब है, सो अ क्लब रिसीव्ड ₹20,000 एज सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2019-20, मतलब हमारा करंट ईयर क्या है, 19-20, ऑफ विच 3,000 रिलेट टू द ईयर 2018-19, मतलब जिसमें 3,000 जो है वो 2018-19 का, और 2,000 जो है वो 2021 का। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करता है, जो अगली पिछली सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड होगी वो बीच में से क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर 2019-20 जो कि हमारा करंट ईयर है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ₹6,000। इन दिस केस द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल शो ₹20,000 एज रिसीट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, बट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल शो ₹21,000 एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी हाउ। अब सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की 2019-20 में वो कितनी थी, 20,000, उसमें से लेस कर देंगे सब्सक्रिप्शन जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले साल की, और अगले साल की जो हमने रिसीव करी है इस साल करंट ईयर में वो माइनस कर देंगे, मतलब 3,000 भी माइनस हो जाएगा 18-19 का, और 2,000 भी माइनस हो जाएगा 20-21 का। ठीक है, तो ये दोनों माइनस हो गए, और प्लस कर देंगे 6,000, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ये अभी रिसीव नहीं हुई है, तो ये तो प्लस होगी ही होगी, तो प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 21,000। अगर आप अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट से भी बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। कैसे, देखो सब्सक्रिप्शन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की वो कितनी थी, जो ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो थी हमारी 20,000। ठीक है, ये देखो कितनी है, 20,000, है ना। और ओपनिंग बैलेंस कितना था आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, 18-19 3,000, और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 6,000। और जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव कर ली, एडवांस की सब्सक्रिप्शन जो गिवन है क्वेश्चन में वो सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ओपनिंग नहीं गिवन है, तो क्या हो जाएगा, वो टू साइड पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस सॉरी क्लोजिंग बैलेंस, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी वो आ जाएगी 21,000 इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे, 20 + 6 26, माइनस 3 23, माइनस 2 दैट इज 21,000। ठीक है जी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन में ही, ठीक है जी। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सी एज पर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर ₹2,50,000। जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो कितनी रिसीव की है, 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ऑन 1/4/2019 कितनी है, 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 कितनी है, 35,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 1/4/2019 कितनी है, 25,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 इज 30,000। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, आप भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव कर ली उसको क्या कर देंगे, स्टार्टिंग में लिख देंगे सबसे ऊपर। अब इसमें ऐड क्या करना है, सब्सक्रिप्शन जो इस साल के एंड में ड्यू है कितनी, साल के एंड में सब्सक्रिप्शन कितनी दी हुई है, 35,000। तो ये प्लस कर देंगे क्योंकि करंट ईयर की रिसीव नहीं हुई है अभी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली 2019 में, इसका ओपनिंग बैलेंस जो है ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि पिछले साल का क्लोजिंग जो था वो माइनस हुआ था, इस साल का ओपनिंग क्या हो जाएगा एंड, कितनी 25,000। अब इनको जब ऐड किया तो क्या आ गया, 3,10,000। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की क्लोजिंग, इस साल क्या बन जाएगी ओपनिंग, तो ये माइनस हो जाएगी 50,000। अब इसमें और एक चीज माइनस कर देंगे, जो सब्सक्रिप्शन हमने अगले साल की रिसीव कर ली, इस साल मतलब करंट ईयर में रिसीव कर ली अगले साल की, तो 30,000 जो है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो 3,10,000 में से विल डिडक्ट 80,000, तो 80,000 जब माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2,30,000। सो लेट्स चेक द आंसर, दैट्स इट, ये 2,30,000 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको अगर अकाउंट में डालें तो कैसे डालेंगे, जो एसेट है मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 50,000, टू साइड पे ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस एसेट बाय साइड पे कैरी डाउन। अब जो लाइबिलिटी थी हमारी उसका बैलेंस ओपनिंग बाय साइड पे आता है 25,000, और जो क्लोजिंग थी 30,000 वो हमारा टू साइड पे आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव की वो थी हमारी 2,50,000। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी आप कैलकुलेशन करके देख लेना, यू विल गेट द आंसर, दैट इज 2,30,000। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसका बैलेंस शीट में क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स होती हैं, ये बैलेंस शीट पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट होगी आपकी, ठीक है जी, और जो नीचे दी हुई 2020 की ये क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, राइट। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम क्या करेंगे, ओपनिंग डेटास लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस में क्लोजिंग डेटास। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाली कितनी थी चेक कर लो, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन थी हमारी 50,000 और क्लोजिंग कितनी थी 35,000, तो वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देनी है। और जो आउटस्टैंडिंग थी वो ओपनिंग थी 25,000 और क्लोजिंग थी 30,000। बस सिंपल सा इतना ट्रीटमेंट है, आपको पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है मेरे को। ठीक है, आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा कि इसको आगे से कैसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आर गिवन बिलो। जो 2020 31 मार्च का रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है उसका कुछ पार्ट जो है हमें दिया हुआ है सिर्फ सब्सक्रिप्शन का। अब देखो यहाँ पे 3 साल की सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी हुई है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी मनाही नहीं। ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इस साल की ही सब्सक्रिप्शन जो है वो ली जाएगी। ठीक है जी, सो 2018-19 में 2500 रिसीव किया 2500, 1920 में 26,750 और 2021 में कितनी 1,000। तो तीनों सालों का टोटल मिला के बन गया हमारा 30,250, मतलब 30,250। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोल रहा है कि टोटल हमारे मेंबर्स कितने हैं 230, पर मेंबर कितनी सब्सक्रिप्शन फीस है 125 एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन April 1, 2019, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2750। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैसे, ध्यान से देखना कैसे। अब कितने मेंबरशिप फीस है 125, टोटल मेंबर कितने हैं 230, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमारी बनती है वो बनती है 28,750। ठीक है, अब 28,750 तो हमारी टोटल बन गई, इसको आगे भी देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, 28,750 बन गया। अब वो क्या बोल रहा है कि जो हमने रिसीव की है ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में वो कितनी की है 26,750। क्वेश्चन में चेक करो, ये देखो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया वो कितनी की है 26,750। तो इसका मतलब साल के एंड में
2,000 यहाँ पे आउटस्टैंडिंग हो गया, और दूसरा जो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसने लिखा हुआ है कि 18-19 की सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की है 2,500, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी इन द बिगिनिंग मतलब अप्रैल 1 में वो थी 2,750, मतलब 2,750 जो टोटल थी उसमें से 2,500 हमने रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब अभी भी कितना ड्यू है, 250, साल के एंड तक कितना ड्यू था, 250, मतलब 250। सो 250 एक हो गया और 2,000 जो है आउटस्टैंडिंग यहाँ पे हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 2,250 आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज मार्च 31, 2020। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2,750 जो है माइनस कर दिया क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग है, और जो क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग थी वो प्लस कर दी। तो 30,250 जो हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन थी इसमें मैंने 2,250 प्लस किया, 2,750 माइनस किया, और जो सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में, यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे 2021 में जो हमने रिसीव की 1,000 सब्सक्रिप्शन, ये 2021 की रिसीव कर ली 19-20 में, तो करंट ईयर में तो इसको माइनस करेंगे क्योंकि अगले साल की इनकम हम इस साल रिसीव नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस। वो अल्टीमेटली आपकी जो सब्सक्रिप्शन बनेगी वो 28,750 ही बनेगी, जो हमारी कैसे आई थी, जितने मेंबरशिप फीस थी और जितने हमारे टोटल मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पास आंसर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा विद दिस कैलकुलेशन, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, जस्ट डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, ट्राई करना अपने आप, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। देन नेक्स्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड शो एज हाउ दे वुड अपियर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो बड़ा सिंपल है सब्सक्रिप्शन का, ऐसे ही सारे क्वेश्चन जो हैं आपके निकल जाएंगे, बस आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर समझ में आना जरूरी है। अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी दिक्कत जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं होगी, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। अब फिर से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, 18-19, 19-20 एंड 20-21, 2021 का डाटा हमारे को दिया हुआ है। अब 18-19 में हमारी सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव की है, 7,000। 19-20 जो हमारा करंट ईयर है इसमें कितनी रिसीव की है, 30,000। और 2021 की सब्सक्रिप्शन मतलब अगले साल की, इसी साल में रिसीव कर ली कितनी, 5,000। तो टोटल सब्सक्रिप्शन मैंने रिसीव की है 42,000। अब सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है मार्च 31, 2019, मतलब 1/4/2019 को जो सब्सक्रिप्शन ड्यू थी वो थी 8,500, है ना, जिसमें से मैंने 7,000 रिसीव कर लिया। तो मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग में कितना खड़ा है, साल के एंड तक 1,500। इस साल का आउटस्टैंडिंग जो है वो कितना है, जो अभी इसी साल का करंट ईयर का ड्यू है वो है 18,500। तो टोटल साल के एंड तक मेरा ड्यू कितना है, 20,000, राइट। और सब्सक्रिप्शन जो मैंने एडवांस में रिसीव किया उसका ओपनिंग बैलेंस है 4,000, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस क्या करते हैं माइनस, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव की ड्यूरिंग द ईयर, 30,000, ठीक है। अब साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितनी है हमारी, 20,000, है ना, 20,000 यहाँ पे मैंने निकाल के बताइए आपको कैसे, 8,500 टोटल थी जिसमें से 7,000 रिसीव हो गया, अभी भी साल के एंड तक कितना ड्यू है, 1,500, और वैसे एक्चुअल में साल के एंड में कितना ड्यू था, 18,500, दोनों को प्लस कर दिया आ गया 20। अब जो सब्सक्रिप्शन हमारी एडवांस में रिसीव की है हमने वो क्या कर देंगे इसमें ऐड, और जो प्रीवियस ईयर की है सॉरी करंट ईयर की है जो हमने अगले साल तक लेके जानी है वो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन, तो टोटल सब्सक्रिप्शन का मतलब कि ये 18,500 जो था, 18,500, इसमें ऑलरेडी ये 1,500 जो है हमारा इंक्लूड हो चुका है। तो मतलब कहने का कि यहाँ पे 20,000 की बजाय आप क्या लिखोगे, 18,500 ही रहेगा, बिकॉज इसमें वो अमाउंट ऑलरेडी प्लस हो चुकी है। तो इसका मतलब जो है 30,000 सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द ईयर एंड कितनी है हमारी, 17,000, और जो सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो हम क्या कर देंगे इसमें प्लस, तो कितना आ जाएगा, 51,000, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, यस, 30,000 आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, 17,000, 4,000 जो है बिगिनिंग वाली थी आउटस्टैंडिंग वो हमने क्या कर दी प्लस, तो नेट फिगर हमारे पास आ गया कितना अवेलेबल, 51,000।
और जब बैलेंस शीट में इसको ट्रीट करोगे, कैसे ट्रीट करोगे, 18-19 1500 ड्यू और 19-20 70, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन जो है 18,500 ही जो है हमने ड्यू करके दिखानी है। जैसे कि हम पे वर्ड यूज़ किया है ना टोटल, तो टोटल का मतलब इट इज़ इंक्लूडेड, जो 1500 पेंडिंग था वो इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में हमने रिसीव करी है, और एडवांस वाली जो है लाइबिलिटी बन जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें अकाउंट बनाया हुआ कैसे देखते हैं। अब वो बोल रहा है कि जनता कल्याण क्लब हैज़ 1250 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 150। अब 1250 मेंबर्स हैं, ₹150 पर मेंबर सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 द क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 45 मेंबर्स। ये क्वेश्चन में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ध्यान से देखना। 45 मेंबर्स जो हैं जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं पे की, एंड सब्सक्रिप्शन जो हम एडवांस में रिसीव कर चुके हैं दैट इज़ फ्रॉम 46 मेंबर्स, ये 21 की है, मतलब नेक्स्ट ईयर की हमने करंट ईयर में रिसीव कर ली। 31 मार्च 2019 द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर हाउ मच, 15,000, एंड सब्सक्रिप्शन विच इज रिसीव्ड इन एडवांस वर ₹3,000। सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल बी डेबिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। अब सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन जो है कितनी है टोटल आपकी वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी कैसे अब यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना वो ये नहीं आएगी, कैसे क्यों, क्योंकि हमारे को सब्सक्रिप्शन तो पता ही है ना कितनी होनी चाहिए टोटल, कि कितने हमारे टोटल मेंबर्स हैं 1250 और पर मेंबर कितनी फीस है 150, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,87,500 जो हमने रिसीव करना था। अब ओपनिंग बैलेंस जो है आउटस्टैंडिंग वो कितना है 15,000, कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है 31 मार्च 2019 द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वर ₹15,000, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन जो हमने एडवांस में रिसीव की है 3,000, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस हो गया 3,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस बाय साइड पे आएगा, और टू साइड पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब ये क्लोजिंग बैलेंस कैसे आया 1600, इसने क्वेश्चन में हमारे को ये बोला है कि 46 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में रिसीव कर ली, तो 46 × 150 कितना हो गया 6900, और 45 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन अभी तक आई ही नहीं साल के एंड तक, तो वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा हमारा ड्यू का, तो 45 × 150 कितना हो गया 6750। इसको टोटल करेंगे ये और ये दोनों माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है 1,99,650। तो यहाँ पे भी इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, सब्सक्रिप्शन कितनी है टोटल जो हमने रिसीव करनी है 1,87,500, एड सब्सक्रिप्शन जो हमारी बिगिनिंग सॉरी आउटस्टैंडिंग है ऑन 31 मार्च 2019 कितनी 15,000, उसके बाद ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो एडवांस रिसीव कर ली वो ऐड कर दिया, ठीक है, उसके बाद लेस कर देना हमने 45 × 150 जो हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6750, और जो रिसीव हमने एडवांस में कर ली 3000 वो भी लेस कर देंगे, सो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1,99,650। ये क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है, रिवर्स क्यों किया गया है, क्योंकि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे नहीं जाना, अब हमने जाना है जो हमने एक्चुअल में अमाउंट रिसीव की है, तो जो चीज़ प्लस होती है वो माइनस कर दो, जो माइनस होती है वो प्लस कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो सब्सक्रिप्शन हम एडवांस रिसीव करते हैं अगले साल की उसको करते हैं माइनस, लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा चल रहा है तो इसको क्या कर देंगे ऐड बैक, ठीक है, जो माइनस होती है उसको क्या कर देंगे प्लस, और जो प्लस होती है उसको क्या कर देंगे माइनस। सो दिस इज हाउ इट गोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप अपने आप करेंगे, ये आपके लिए है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट बी केयरफुल, पे अटेंशन। देन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ भारत स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब पर्टिकुलर्स गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 2020, एडवांस सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग हो गई ये क्लोजिंग, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये ओपनिंग हो गई ये क्लोजिंग हो गई। अब ड्यूरिंग द ईयर क्लब रिसीव्ड 120,000 मतलब 1,20,000 सब्सक्रिप्शन विच इंक्लूडेड 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ठीक है, तो 1,20,000 जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव करी। अब जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की 1,20,000 उसमें 5,000 ऐसी अमाउंट इंक्लूड है जो 2019 की है 31 मार्च की, मतलब
बिगनिंग वाली आउटस्टैंडिंग जो है हमारी कितनी थी, 7,000 जो ड्यू है ओपनिंग में, लेकिन उसमें से हमने 5,000 रिसीव कर लिया, तो कितना बच गया अभी, 2,000। और जो दूसरा है सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस वो है 12,500, तो 12,500 को इसमें ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन नहीं बोला, ठीक है, तो 14,500 जो है हमारा ड्यू में आ जाएगा, जो अभी तक हमने रिसीव नहीं किया बाय द एंड ऑफ द ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन जो 19-20 की थी, मतलब बिगिनिंग वाली, वो प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो साल के बिगिनिंग में है उसको ये कर देंगे माइनस, ठीक है। सो 7,000 जो है वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1,37,000, ठीक है जी। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। आप जरूर देखना इसको, सारे क्वेश्चंस जो हैं ट्राई करके देखना, जो भी प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 1920। अब सिर्फ हमने 19-20 की आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालनी है, राइट। सो क्लब के 250 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं 1,000 रुपीज़ की, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो 2,65,000, मतलब 265 जो है हमने रिसीव की है टोटल, ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एडिशनली, सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019 कितनी है, 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2020 कितनी है, 30,000, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो गई, सॉरी एडवांस हो गई, और ये ओपनिंग एडवांस हो गई, ठीक है। तो ओपनिंग एडवांस का बैलेंस बाई साइड पे और क्लोजिंग एडवांस का बैलेंस टू साइड पे, क्योंकि ये लाइबिलिटीज हैं, और जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, इन द बिगिनिंग है, वो ओपनिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। हमने क्लोजिंग बैलेंस पे जाना है, सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे उसने बोला कि क्लब के हमारे 250 मेंबर्स हैं, राइट, हर एक मेंबर 1,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन जो है वो पे कर रहा है। 250 को 1,000 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास, 2,50,000, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है, 2,65,000, तो सारा कुछ गिवन है आपको, तो हमने क्या करना है, सीधा सीधा बस सिंपल बैलेंसिंग फिगर निकाल देनी है, ठीक है। इन सबको ऐड करो, इनको माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर दैट इज 43,000। देखो हमें यहाँ पे ये भी गिवन है इस बार क्वेश्चन में, और यहाँ पे ये भी गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, ये गिवन था, उससे पहले क्वेश्चन में ये गिवन था, ये बैलेंसिंग फिगर निकाली थी। अब इस क्वेश्चन में दोनों गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, और हमने निकालना क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन हमारी साल के एंड में ड्यू हुई, तो हमारी सब्सक्रिप्शन साल के एंड में ड्यू हुई है कितनी, ₹43,000। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है वो भी देख लो। टोटल सब्सक्रिप्शन है 2,50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, ये भी क्वेश्चन उल्टा चला रहे हैं, ठीक है। तो बिगनिंग वाली सब्सक्रिप्शन जो माइनस होती है यहाँ पे प्लस कर देंगे, एडवांस जो क्लोजिंग होती है जो माइनस होती है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन जो एडवांस वाली बिगनिंग होती है वो ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर जो सबसे ऊपर ऐड करते हैं वो भी क्या हो जाएगी, माइनस। तो माइनस प्लस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 43,000 रुपीज़। ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लेना है, दोनों कर लेना, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सब्सक्रिप्शन में आपके बाद, ठीक है। अब कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी भी तो आप मेरे को व्हाट्सएप करें, मेरा नंबर है 9877043033, और हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप ग्रुप में भी जरूर ज्वाइन हो जाएं जाके। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल मैसेज करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।